अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मैक्सीवर्स। आज इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है मूड फ्लिपर्स। मूड फ्लिपर्स जो है वो रैंडम कैरेक्टर्स का एक प्रोजेक्ट है और रैंडम कैरेक्टर्स पिछले अक्टूबर से लेकर अभी तक 3 प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं। उनका जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो था स्लिम हुड्स, उसके बाद उन्होंने निकाला मूड रोलर्स और लास्टली उन्होंने निकाला इनविजिबल फ्रेंड्स, और अब वो अपना फाइनली 4th प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है मूड फ्लिपर्स। मूड फ्लिपर्स जो है वो मूड रोलर से ही इंस्पायर होकर बना हुआ है, उसी के तरीके का है, लेकिन ये 3D एनिमेटेड है थोड़ा सा, और इसकी हर एनिमेशन के पीछे साउंड भी है। इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम देखें कि मूड रोलर्स कैसे था। मूड रोलर्स जो था वो दिसंबर 10th को लॉन्च हुआ था। ये मूड रोलर्स का ओपन सी पेज है। इस वक्त ये 0.75 ईथ के ऊपर जो है इसकी फ्लोर प्राइस है। यूजुअली ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 0.3 0.4 ईथ पे मिंट होते हैं, तो जब ये मिंट हुआ था तो इसकी एवरेज प्राइस 1.1 ईथ थी सेकेंड हैंड मार्केट पे। तो किसी ने भी उसको उस टाइम पे 0.3 ईथ पे खरीदा होगा, तो तकरीबन 0.7 ईथ का प्रॉफिट उसने यकीनन किया होगा। मैक्सिमम जो इसकी प्राइस अभी तक टच हुई है वो 2.76 ईथ है। उसके बाद ये ड्रॉप होना शुरू हुआ था और 15 फेब को जो है 0.7 ईथ पे चला गया था, और उसके बाद ये थोड़ा सा स्टेबल हो गया था। अगर आप देखें अप्रैल 8th को जो है वो सेल्स में थोड़ा सा पीक आया था। इस दिन जो है रैंडम कैरेक्टर्स ने अनाउंस किया था कि ये लोग मूड फ्लिपर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये रैंडम कैरेक्टर्स का डिस्कॉर्ड पेज है, यहाँ पर जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। हम लोग मूड वर्ड्स में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि उसी के अंदर मूड रोलर्स और मूड फ्लिपर्स हैं। 8th अप्रैल को इन्होंने अनाउंस किया कि मूड फ्लिपर्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। मूड फ्लिपर्स 5,000 सप्लाई में होंगे। जो लोग मूड रोलर को होल्ड करते होंगे उनके पास अर्ली एक्सेस होगा फर्स्ट डे मिंट पर। अब हम बात करते हैं इसके आर्टिस्ट के बारे में, लूकस ज़ेनोटो, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है रैंडम कैरेक्टर्स के अंदर, और इसने मूड रोलर्स भी बनाए हैं। ये उसकी वेबसाइट है और इसमें आप और भी प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं जिस पर उसने काम किया है। मुझे बताएगा कि आप लोगों ने मूड फ्लिपर खरीदा या नहीं। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के लिए वाइटलिस्ट हो गया तो डेफिनेटली मैं ये प्रोजेक्ट खरीद रहा हूँ मिंट प्राइस के ऊपर। अगर कोई और प्रोजेक्ट है जो आप चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूँ तो प्लीज कमेंट के अंदर उसका लिंक शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी भी रिसर्च करें और सिर्फ उतना अमाउंट इन्वेस्ट करें जिसको लूज करने में आपको कोई इशू ना हो।